हेलो दोस्तों, आजकल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, उसके साथ फ्रॉड भी बहुत बढ़ता जा रहा है। अभी तक आपने भी बहुत सारी फ्रॉड कॉल हो सकता है झेली हो या ना आपके सामने आई हो, तो आपने सुना होगा। जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ कि एटीएम कार्ड का नंबर मांगते हैं आपसे, उसे रिन्यू करने की बात करते हैं। या फिर दूसरा तरीका काफ़ी फेमस हुआ था, जिसमें आपसे बोलते हैं कि वो कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहे हैं और आप लकी ड्रॉ जीते हैं। ऐसे ही बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो हम आपको आज कॉल रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं, ये एकदम नया तरीका है और इसके झांसे में कोई भी आम आदमी आ सकता है, क्योंकि ये बहुत होशियारी से बात करते हैं और ये एक दिन में आपको ठगने की बात नहीं करती। ये आपको समय देते हैं 2-3 दिन का, जिससे आप इनके झांसे में अच्छे से आएँ और इनकी बात पर विश्वास करें। रिकॉर्डिंग लास्ट तक सुनिएगा, और ये एकदम नया तरीका आया है फ्रॉड करने का, तो आप इसे लास्ट तक सुनिए और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा, जिससे वो भी सतर्क हो सके। जी, अगर आपको काम करवाए तो करवा सकते हैं, नहीं करवाने तो आप मना कर सकते हैं। कोई क्यों मना करेगा? क्योंकि पैसा आपका आ गया है, ये आवास विकास योजना से बात हो रही है जी। हाँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सर। तो आएगा तो काम चालू हो जाएगा, तो पैसा तो कल आ जाएगा। लेकिन आपका खाता कौन सी बैंक का है? हमारा तो है बीओबी में, बैंक ऑफ बड़ौदा। बीओबी बैंक का जो खाता है उसी खाते पैसा आएगा। तो सर एक बार अपना खाता नंबर बोल दीजिए, आधार नंबर बोल दीजिए। अच्छा जी, चलिए अभी 1 मिनट निकाल लें थोड़ा। क्योंकि सर हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आधार कार्ड खाता नंबर अभी आप बोलेंगे तो हम आपकी फाइल यहाँ से तुरंत कंप्लीट करके 5 मिनट 34 सेकंड में ये फाइल कंप्लीट करके हम मैनेजर के पास ट्रांसफर करेंगे। मैनेजर के पास ट्रांसफर हो जाएगी तो कल आपको 8:30 से 9 बजे तक आपको बड़े अधिकारी कॉल करेंगे और आपके खाते पैसा लगाएंगे, तो आपसे बोलेंगे कि आप बैंक आइए और अपना पैसा निकालिए। समझ रहे हैं सर? लिखिए लिखिए। और लेकिन हाँ दिनेश जी, आपको बताना चाहते हैं, जो आपके जिले एरिया से 4 अंकों का ओटीपी कोड आएगा, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत खर्चा भी आएगा, तो ये खर्चा आपको जमा करना होगा सरकारी मोबाइल नंबर से ज्यादा। अच्छा अच्छा, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, 250-300 रुपए का चार्ज आएगा सर। जी जी, तो इतना कुछ कर सकते हैं? जी जी, चलिए खाता नंबर बोलिए सर। 2037। सर आवाज नहीं आ रही है। 2037। 2037। एक मिनट लाइन पर बने रहे हम सर, कंप्यूटर चालू किया जाए। हेलो, हाँ बोलिए सर। 2037। 2037। 001। 00 है? हाँ 00। 00 के बाद 1 1। 20। कितना? 20। हाँ 2 बार 0। 4 बार 5। 4 बार 5 है? हाँ। और हो गया सर ये खाता नंबर आपने बताया है? जी जी, देखिए आपका खाता है सर 20 37 00 00 1 1 00। हाँ 4 बार 5 जी। खाते पे नाम क्या लिखा है? दिनेश सिंह। दिनेश सिंह, दिनेश सिंह। आधार नंबर बोलिए। 37 72। एक मिनट, 37 37 72। हाँ 37 72। 12 20। 12 20। एक मिनट, 37 72 12 20। 75 35। 75 35 जी। दिनेश सिंह जी, जिला फतेहपुर। फतेहपुर, पोस्ट? पोस्ट चंदा। चंदा, थाना? थाना खागा। खागा सर, बताने के लिए धन्यवाद। जो आपने आधार कार्ड खाता नंबर अभी आपने बताया है, बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता है, बीओबी बैंक का? जी जी। ये घर मकान से आपके यहाँ से बैंक कितनी दूर होगी?
अरे यहाँ जहाँ हम हैं यहाँ तो बहुत दूर होगी, वहाँ गांव के नजदीक है। जी जी तो सर आपको ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सर ये कल आपके खाते पैसा आएगा, कल आपको बैंक जाना पड़ेगा, ठीक है। कल अधिकारी हमारे फोन करेंगे, बड़े अधिकारी आपके पास कॉल करेंगे कि आप दिनेश सिंह अपना पैसा निकालिए आके, तो आपको बैंक पहुंचना है, पैसा निकालना है। पैसा निकालने के बाद अपना घर जाएं, 3 महीने का आपको समय दिया गया है, 3 से 3.5 महीने मकान रेडी करके हमारे इसी नंबर पे कॉल करना कि सर मेरा मकान रेडी हो गया है। क्योंकि ये कॉलोनी विभाग से डायरेक्टली बात हो रही है, ये कॉलोनी का पैसा है, कोई लोन कर्ज ब्याज नहीं है, ठीक है सर जी। तो अभी आपके नाम से लिखा पढ़ी के कागजात बना के तुरंत ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा हूँ, क्योंकि आपको भी मालूम होना चाहिए, पहले तो ये प्रधान के माध्यम से पैसा दिया जा रहा था, लेकिन प्रधान लोग क्या करते हैं, गरीब व्यक्ति के 20,000, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए घूसखोरी कर खा लेते थे। तो आप लोगों को मकान पूरा से रेडी नहीं हो पाता, ऐसे कंप्लेन हमारे पास बहुत आई हुई है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री का आदेश हुआ है, किसी को घूसखोरी मत दीजिए, डायरेक्टली जिसका कॉलोनी का फार्म है डायरेक्टली उनके खाते पे पैसा भेजा जाए। तो आपको दिनेश सिंह बताना चाहते हैं, कल आपको बैंक जाना है, पैसा का लाभ उठाना है, जानकारी अपने तक सीमित रखिए, क्योंकि सर गरीब इंसान को कोई नहीं सोचता कि आप अच्छे इंसान बन जाए, समझ रहे हैं। देखिए बारिश होती है, हवा पानी आता है, तो आप लोगों अगर घर मकान बना तो आप लोग अच्छे से रहेंगे, घर मकान बन जाएंगे तो आपकी जिंदगी लाइफ सुधर जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होगी, कल आपको पैसा मिल जाएगा, कल हमारे अधिकारी कॉल भी करेंगे और आप लाइन पे बने रहें। जो अभी आपका 250-300 रुपए जो खर्चा आ रहा था, तो हम चेक कर लेते हैं कितना रुपए खर्चा आएगा। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, बोलिए। आपने पूरी वृत्तांत हमको बता डाली है, आपको मैं आप थोड़ा सा बता दूं, मैं कि मैं खुद प्रधान हूँ, आप मुझे कॉलोनी दे रहे हो, थोड़ा किसी और आदमी को फंसाओ जाके, ठीक है ना। मैं खुद प्रधान हूँ, आपकी का जीता हुआ प्रधान हूँ, मेरी एज 50-60+ ईयर है। तो मैं गाली नहीं देना चाहता हूँ, मैं तुमको बता रहा हूँ, किसी और को फंसाओ जाके, मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, ठीक है ना। आपने आपकी एज कितनी है? मेरी 32 ईयर है जी, 32 ईयर। हाँ, आधार कार्ड मैंने दे दिया है, अकाउंट नंबर दे दिया, जाके